वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा अपना बयान दे रहे हैं। एक इंटरवल करिए और 15 मिनट के बाद दोबारा मिलूंगा और फिर मैं कहता कि देखिए अब मैं आपसे मिलने आया हूं श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष के रूप में और वही बात दोबारा करने आया हूं, तो मैं कैसा, उनको मेरे बारे में चिंता हो जाती, जो मैंने अंग्रेजी की कहावत पढ़ के सुनाई और सोचते हैं मंत्री का संतुलन चला गया। सबसे चर्चा हुई, जो आरोप है वो सही आरोप नहीं है, नहीं होना चाहिए था। अब बात यह है, सुषमा जी ने कहा मुझे कहा कि चेंज क्या हुई 2011 की नीति और 2012 की, आपने बात ठीक पूछी कि राज्यों पर तो आपने पहले भी छोड़ा था, सुषमा जी राज्यों पर छोड़ा था वो एक इम्प्लाइड था कि राज्य ट्रेड लाइसेंस देती है, राज्य दुकान खोलने का लाइसेंस देती है, यही हमारा 2011 का वक्तव्य है, कैबिनेट नोट में इम्प्लाइड, इस बार इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट जो कहें वो है। पहला पैराग्राफ ये है कि राज्यों का फैसला होगा, ये बड़ा फर्क है। दूसरा बड़ा फर्क मैं बताना चाहता हूं, मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी हैं, मेरा जन्म जहां हुआ वहां की चर्चा है। अब बहन सुषमा जी भी यूपी से मध्य प्रदेश सब जगह हो आई अम्बाला के बाद, मेरा भी वो अधिकार है, दिश तो सत्ता है। अब ये दूसरी बात हुई, कश्मीर के मुख्यमंत्री ने और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मुझसे बात कही और तरुण गोगोई जी असम की, मैं भूल गया, उन्होंने कहा कि आनंद जी केंद्र की सरकार ये नीति लाएगी और हमको वंचित करेगी, हम लैंड लॉक स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, हमारे बागबानों का क्या होगा, आप उनके लिए क्या करेंगे अगर आप केवल 10 लाख से ऊपर की आबादी के शहर में खोलेंगे। तो मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, मैंने प्रधानमंत्री जी से भी चर्चा करी, कैबिनेट में चर्चा हुई और हमने स्पेशल डिस्पेंसेशन कर दिया इसमें स्मॉल स्टेट्स पे, क्योंकि राज्यों पे छोड़ा है, वो निर्णय अपना स्वयं करें। ये दोनों फर्क है पिछली नीति और इस नीति में, मैं आपको बताना चाहता हूं और मैंने बात सदन में रखी। कई बातें और हुई नेता प्रतिपक्ष की तरफ से, कल मेरे योग्य साथी कपिल जी ने कुछ उत्तर दिया, पर एक बात जो मैंने सारी बात सामने रखी कि हमने कहा था कंसेंसस का मतलब आम सहमति, कंसेंसस का मतलब अध्यक्षा जी सर्वसम्मति नहीं होता, जो मेरी जहां तक मेरे अध्यापकों ने मुझे पढ़ाया है, और अगर सर्वसम्मति की इंतजार हो तब तो फिर समाधि लेनी भी पड़ेगी, क्योंकि तो कभी मानेंगे नहीं और हम बैठे रहेंगे, ये तो ऐसा हो नहीं सकता। एसेट देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन बिटवीन कंसेंसस एंड यूनैनिमिटी, because if you have to wait for unanimity you wait till eternity, we never wanted to wait। ab kai yahan pe baat hui predatory pricing ki, mere sathiyon ne bhi uttar diya, hamare yahan competition ka kanoon hai, competition commission hai, maximum retail price hai, ye nahi ki ekdam se bhav gira dega, mulayam singh ji ko bhi chinta thi aur sahi chinta thi, gira dega choti karobar band ho jayega, किसान बेचेगा फिर एकदम से बढ़ा देगा, ये नहीं हो सकता, हमारे देश का कानून अनुमति नहीं देगा। हमने शर्त लगाई है अध्यक्षा जी, अब प्रश्न ये है कि हमने शर्त क्या लगाई, हमारी सोच कैसे अलग है, हमारी नीति शुद्ध रूप में भारतीय नीति है, हमने अपनी जमीन की हकीकत को समझा है, तभी कहा है कि अगर 100 मिलियन डॉलर से कम का निवेश नहीं होगा एफआईपीबी स्क्रूटनी करेगी, 50% गांव में लगेगा, 30% यानी करेगा या नहीं करेगा, वो तो बिजनेस का जो प्रपोजल आता है एफआईपीबी स्क्रूटनी करता है,
अनुमति नहीं मिलेगी अगर 30% लोकल सोर्सिंग नहीं होगी। सुषमा जी ने कहा, अब आपकी मैं जानकारी के लिए, कि केवल 30%, बाकी 70% चीन से आएगा, बाहर से आएगा। हमने कहा मिनिमम, मैक्सिमम नहीं कहा, और वो भी एमएसएमई से कहा। ये नहीं कहा कि बाकी का, भाई देश में मध्यम उद्योग भी है, देश में क्लस्टर्स भी हैं, बुनकरों के क्लस्टर हैं, आर्टिजन्स के क्लस्टर्स हैं, वहां से ऑलरेडी सोर्सिंग हो रहा है सिंगल ब्रांड रिटेलर्स का, मल्टी ब्रांड रिटेलर्स का। हवाला दिया चीन से इतने का सोर्सिंग है, तो अगर आज भारत से 1.5 बिलियन का है, भारत का भी चीन से बढ़ जाएगा, पर हमारे किसान का खरीदेगा जो देश में बिकेगा, देश में जो देश में नहीं बिक पाएगा वो दुनिया के बाजार में जाएगा, हमको फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, हमारे बेटे बेटियां रोजगार मिलेगा, इसमें किसको आपत्ति। मेरे पास आपकी बात पे आ रहे, नहीं मैंने मोहन सिंह जी का जिक्र, नहीं नहीं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न उठा कि जो आप 30% लोकल सोर्सिंग करते हैं वो WTO एग्रीमेंट के खिलाफ, कल ये बात रखी गई, 30% सोर्सिंग हमारे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के खिलाफ नहीं है, क्योंकि वो जो देश में आएगा वो पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट आएगा, पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट का माने जो हमारी पॉलिसी है उसके तहत आएगा, और ये प्री एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी है। पोस्ट एस्टेब्लिशमेंट नेशनल ट्रीटमेंट की बात आती है, प्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं आती। ये सॉवरेन अधिकार है हर राज्य का जो हमने अख्तियार किया है। उसी तरह से बात आई, लेट्स हैव ऑर्डर द हाउस, लेट्स हैव ऑर्डर द हाउस, प्लीज प्लीज ऐसे शांत हो जाइए। क्या हो गया? देखिए और ये अभी बड़ी खबर आ रही है, बहुजन समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों ने वॉकआउट कर दिया है। 21 सांसद हैं बीएसपी के, और बीएसपी के 21 के 21 सांसदों ने वॉकआउट कर दिया है। बहाना बड़ा अच्छा है कि वाणिज्य मंत्री अपनी बात कह रहे थे, और चूंकि अपनी बात कही जा चुकी है, और जाहिर सी बात है लोकसभा में सब लोगों ने अपनी दलीलें रख दी हैं। अब वोटिंग का वक्त नजदीक आने वाला है, क्योंकि अब वाणिज्य मंत्री के बाद नेता विपक्ष सुषमा स्वराज अपनी बातों को रखेंगी, और उसके बाद वोटिंग होनी है। तो वोटिंग से एन पहले, जो कि हम आपको लगातार बता रहे थे आज सुबह से ही कि बीएसपी वॉकआउट करने के पूरे मूड में है, और ठीक वही हुआ। बहस के दौरान हड़बड़, और उसके बाद बीएसपी के तमाम सांसदों का वॉकआउट, 21 के 21 बीएसपी के सांसद वॉकआउट कर चुके हैं। जाहिर सी बात है, सरकार की जो रणनीति रही है कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी के सांसदों को
या तो वॉकआउट के लिए राजी कर लिया जाए या फिर ये दोनों पार्टियों के सांसद सरकार के साथ वोटिंग में हिस्सा लें और सरकार का समर्थन करें। ऐसा साफ लगता है कि अब कम से कम बीएसपी के सांसद वॉकआउट कर चुके हैं, सरकार की रणनीति का एक हिस्सा पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 2011 के आंकड़े भी मैं मानकर चलूं, 4 करोड़ लोग खुदरा व्यापार में हैं, 4 करोड़ का मतलब मुलायम सिंह जी ने कहा कि 5 परिवार के सदस्य होंगे, 4 होंगे, हम मानते हैं बिल्कुल, पर प्रश्न ये है कि हमको उदाहरण अमेरिका का नहीं देखना कि वहां खुदरा व्यापार क्या है। वो तो आपने अपने कागज में कैबिनेट के लिए सौदे में लिखा हुआ है यूके में कितना है। भारत में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल के बाद केवल 4% भारत में सन 2011 में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का हिस्सा है, 93.7% खुदरा व्यापार में जो हिस्सा है वो हिस्सा है छोटे खुदरा व्यापारी का, वो हिस्सा है स्मॉल रिटेलर का। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, आप कहे ईयू की स्टडी पढ़ती हैं, 2011 की स्टडी है, 2 प्रमुख अर्थशास्त्री जो दोनों भारतीय हैं दुनिया में जिनका नाम है जगदीश भगवती और राजीव कोहली, अब इन्होंने 2011 में भारतीय रिटेल ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग इन इंडिया इश्यूज एंड आउटलुक उस पर लिखा है और ये जानना आवश्यक है। इसका पन्ना नंबर 6 पर मैं आई वुड लाइक टू कोट मैडम विद योर परमिशन, फर्स्ट टोटल रिटेल सेल्स इंक्रीज बाय अप्रोक्सीमेटली 70% बिटवीन 2004 एंड 2009 फ्रॉम US $294 बिलियन टू $496 बिलियन। Second, sales grew over this period by about 43% for retailers in the formal sector and about 97% for retailers in the informal sector. Thus, from 2004 to 2009, retail sales grew almost twice as fast as in the normal sector, as in the formal sector. 7% increase in organized, ऑलमोस्ट 15% इन अनऑर्गेनाइज्ड। तो इस चीज को बताना जरूरी, तो ये डर फैलाना कि छोटा खुदरा व्यापारी कहां जाएगा, अगर 12 साल में नहीं गया जब ऑर्गेनाइज्ड रिटेल आ गया, तो भारत की स्टडी को पढ़ लें, ब्रसल्स की स्टडी ना पढ़ें, उसका नुकसान नहीं होगा। जैसा आपका अनुभव है मेरा भी अनुभव है, मैं भी एक छोटे शहर में पैदा हुआ मध्यम वर्ग परिवार में, शिमला में हम भी जाते थे, जब स्कूल जाते थे कॉलेज जाते थे हमारी मां बोलती थी खरीद कर लाओ सब्जी लाओ, मैं खुद मेरा छोटा भाई हम थैले लेकर आते थे पिताजी के साथ सब्जी खरीदने जाते थे। हम ये कहीं ऊपर से नहीं आए, इसी जमीन से जुड़े हैं, यहीं की पैदावार, हम भी समझते हैं अपने देश को, हमको कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं कि हम भारत को समझते हैं या नहीं, हम एक छोटे व्यापार की समस्या को समझते हैं या नहीं। वो सुरक्षित है, इसलिए सुरक्षित है जैसा कहा गया कि बड़ा दुकान कहां खुलेगा, केवल बड़े शहरों में, उनको 1-1 लाख स्क्वायर फुट जगह चाहिए, वो आके पड़ोस की दुकान को मुलायम सिंह जी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज भी आप और हम अपने घर में गांव जाते हैं शहर जाते हैं, यहां पर भी हमारे पास जो लोग कर्मचारी काम करते हैं उनको कहते हैं जाकर सामान ले आओ, वो कोई मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर से नहीं लाता, वो देगा भी नहीं, क्योंकि मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर में जो छोटा दुकानदार आपको देगा कर्जा दे देगा, छोटा दुकानदार आपको आधी डबल रोटी देगा, छोटा दुकानदार आपको 4 अंडे 2 अंडे भी देगा, कर्जा भी दे देगा, महीने के बाद ले लेगा, बच्चा जाके जाएगा लाला जी ये दे दो, वो कॉपी में लिख लेगा, महीने के बाद पिताजी से मांग लेगा। तो ये डर मत फैलाइए। ये भी कहा गया, कल बहुत बड़ी बात हुई, मैं सदन का चंद मिनट और लूंगा और अपनी बात को विराम दूंगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, दो बात मैं जरूर कहूंगा, दो बात जरूर। पहली बात
बड़े फैसले हुए, बड़े अहम फैसले हुए, हर सरकार फैसला करती है। बार बार अमेरिका का हवाला हुआ, बार बार टीका टिप्पणी हुई, बार बार कटाक्ष हुआ। मैं बहस में नहीं जाता, पर मेरे पास सन 2000 का कागज है और कागज किसी ने नहीं दिया, सरकार की संपत्ति है। वो उस समय के प्रधानमंत्री कार्यालय में जो सचिव थे, जिनका नाम आपने लिया, मैं कभी नाम नहीं लेता, दूसरे सदन के सदस्य हैं, आपत्ति मत कीजिए, आपने नाम लिया था एनके सिंह जी का। ये चिट्ठी है अगस्त 26 2000 की, सेक्रेटरी डीआईपीपी का पत्र है एनके सिंह जी को कि जो आपने हमसे ब्यौरा मंगाया है हम उसको भेज रहे हैं, और ये कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर का निर्णय है कि प्रधानमंत्री को इसके बारे में बता दिया जाए। उनकी अमेरिका के दौरे से पहले शुरू होता है, प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट यूएसए शॉर्टली इन ऑर्डर टू रिव्यू इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन इंडिया एज ऑल्सो टू सेंड सिग्नल्स रिगार्डिंग द कॉन्टिन्यूइंग रिफॉर्म्स प्रोसेस इन इंडिया। पीएम ए विश टू मेक सम अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द एफडीआई पॉलिसी। अब उसमें है कि एफडीआई अप टू 100% बी परमिटेड थ्रू ऑटोमेटिक रूट इन मल्टी ब्रांड रिटेल, एफडीआई बी परमिटेड 100% इन डिफेंस, एफडीआई 100% इन फार्मास्यूटिकल, 100% इन एयरपोर्ट। मैं सभा पटल पर रखती हूं, जी जी, मुबारक है, मुझे अध्यक्ष जी व्यवधान न हो तो उचित है। हमको बचपन में एक चीज बताई गई थी कि जो हकीम खुराक देता है कड़वी होती है, असरदार होती है, सच्चाई भी कड़वी होती है, मान लीजिए। हमने आपकी बात सुनी, आप हमारी सुने। कल सुषमा जी ने एक बात और कही, मैं धन्यवाद देता हूं आपका, धन्यवाद दूंगा कि वो प्रधानमंत्री जी के साथ जाना चाहती हैं पूरे दुनिया के देशों में, चाहे वॉशिंगटन हो, लंदन हो, नेता प्रतिपक्ष हैं, और इन्वेस्टर्स को भारत आने को कहेंगी। अब पहले कहा कि ये निर्णय जो हुआ है, ये निर्णय प्रभावित निर्णय है, आपके शब्द, इससे भ्रष्टाचार की बदबू आती है। सुषमा जी ऐसी बात ना करें तो अच्छा है, आप विरोध करें पर ऐसी गंभीर बात मत करें। वॉलमार्ट अकेला नहीं है इन्वेस्टर, दुनिया में टेस्को, सेंसबरी, कारफोर और जो आना चाहते हैं उनको क्यों डरा के भगा रहे हैं? और अगर आपको प्रधानमंत्री जी ने मेरे से सलाह मशवरा नहीं किया, ये उनका विशेषाधिकार है, अगर वो आपको लेकर जाएंगे, तो क्या चमत्कार होगा कि जो यहां पर 2 साल से चर्चा हो रही, जो आरोप लग रहे हैं, जो यहां पर ऐसे लोग हैं जो हर नंबर के आगे 10 सिफर और लगाते हैं, यूं ही घबरा कर भाग रहे हैं निवेश करने वाले, आप जाएंगे और डराएंगे। पहले अपने विचार बदले, फिर प्रधानमंत्री जी आपको साथ लेकर आए, देश और दुनिया यहां आए, हमारे लोग बाहर जाएं, कारोबार बढ़े, रोजगार बढ़े।